जय हिंद जय भारत, कुछ लहरे के साथ, लहरे के अंदाज में कुछ रियाज अभ्यास, एक माहौल सा बनता है जब आप लहरा लगाकर बजाते हैं तो एक आपका एक मन भी करता है और एक आनंद सा आता है रियाज करने में। कुछ भी बजाइए, लाइट बजाइए, रेला बजाइए, कहरवा बजाइए, कुछ भी बजाइए, एक आनंद आता है। तो वही थोड़ा सा मैं अभ्यास कर रहा था। तो दोस्तों आइए, आप लोगों को भी मैं अपने साथ शामिल करता हूं कि ढोलक पर हम लहरे के साथ हम कुछ भी अभ्यास कर सकते हैं। ढोलक सोलो परफॉर्मेंस के लिए भी हम तैयारी कर सकते हैं, जैसे रेला बजा लिया और लास्ट में कहरवा भी साथ में ले लिए, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा और आपकी लय भी मजबूत होगी अगर आप लहरे के साथ अभ्यास करेंगे। तो इसलिए मैं भी लहरे के साथ ही अभ्यास कर रहा था कि कुछ रेला, कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे देखिए कितना आनंद आता है। कुछ भी बजाइए, आपका मन भी करेगा, रियाज भी और हाथ भी चलता रहेगा और आपका लय भी स्ट्रांग होगा। सबसे बड़ी बात होती है कि लय संभालना। आप किसी भी गाने के साथ संगत कर रहे हैं, कोई भी गाना कर रहे हैं, तो अगर आपका लय स्ट्रांग नहीं है, लय मजबूत नहीं है, तो आप बिखर जाएंगे। जो सामने सिंगर गा रहा है वो भी बेचारा परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसे तो लय की जरूरत है, क्योंकि हमारा काम ही लय देना है। ताल का मतलब टाइमिंग, हमें लय के मास्टर ही होना आना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट अभ्यास यही है कि आप अपने YouTube पर लहरा देख सकते हैं, लहरा मिल जाएगा आपको। तीन ताल का लहरा ले लीजिए और साथ में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। जो भी चीजें आपने सीखा हुआ है, जो भी आप कहरवा बजाते हैं, तो इन सब को मिक्स करके, जैसे इसमें हम तीन ताल भी बजा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे तीन ताल, जैसे तबले का तो होता है, वो हम ढोलक में बजा सकते हैं, लेकिन ढोलक में हम आएंगे खुला बजा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम तीन ताल कैसे बजाएं, आइए आज इस मुद्दे पे हम बात करते हैं कि हम लहरे के साथ तीन ताल बजाएं और उसके अंदर हम छोटी छोटी तियाइयां लेते रहे, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह आती है कि तीन ताल कितनी मात्रा की होती है। सबको पता है तीन ताल 16 मात्रा की होती है, जिसमें कि चार विभाग होते हैं, चार 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 के विभाग होते हैं, ठीक है। अब हम तीन ताल के बोल की तरफ आते हैं। तो बोल में क्या है, धा धिन धिन धा, सेम रिपीट, धा धिन धिन धा। अब यहां से खाली आ जाएगा धा तिन तिन ता, और लास्ट वाला चार का जो है ता धिन धिन धा। ये हमारा तीन ताल है जो शुद्ध अक्षरों में लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हमें वेरिएशन क्या दिखाना है, जैसे हमें चार मात्रा धा धिन धिन धा, तो जो लास्ट का जो मात्रा है ये देख रहे होंगे, एक दो तीन एंड चार, जो चौथी वाली लास्ट की मात्रा है, इसमें हमें क्या करना होता है कि कुछ हम वेरिएशन दिखा देंगे। जैसे कि मान लिया धा धा टे टे बजा देंगे,
ठीक है, जैसे कि धा धिन धिन धा धा ते टे धा धिन धिन धा धा ते टे धा तिन तिन ता ता ते टे, और उसके बाद यहां पर हम क्या बजा सकते हैं, धा धा ते टे धा 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 ते टे धा 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 ते टे धा। यह हमारे तीन ताल की वेरिएशन हो गया। इसमें हम आप कैसे भी, बस लास्ट का आपको ध्यान रखना है कि लास्ट की एक मात्रा पर मुझे टेटे दिखाना है एंड लास्ट की तिहाई। जब लास्ट की तिहाई में चार मात्रा की तिहाई, जो मैंने बताया ना कि चार विभाग होते हैं, एक दो तीन चार, तो लास्ट की जो चार चौथे नंबर का विभाग है उसके अंदर चार मात्रा होता है, उस चार मात्रा में हमें तिहाई बजाना होता है उसमें। अब उसमें आप कुछ भी बजा सकते हैं, अगर त्रिकिट की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उसमें त्रिकिट बजा सकते हैं, धा धा त्रिकिट धा 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 त्रिकिट धा 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 त्रिकिट धा, और तेटे की प्रैक्टिस है तो धा धा तेटे धा 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 तेटे धा 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 तेटे धा है। तो आइए, आप कई लोगों को तीन ताल भी नहीं आता होगा बजाना, तो मैं बताता हूं तीन ताल कैसे बजेगा। आपको बोल पता है कि धा, अब हम ढोलक में धा कैसे बजाते हैं, आपको पता है कि ढोलक में हम किनारे में जब हम बजाएंगे और इधर से बाएं साइड बजाएंगे तो हमारे धा की साउंड आती है धा, और जब थोड़ा अंदर जाके हम बजाएंगे यहां पे और बाएं भी साथ में रहेगा तो साउंड आएगी धिन, ठीक है। तो अभी हम क्या करना क्या है, आठ मात्रा तक सेम बजाना है, कैसे, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, आठ मात्रा कंप्लीट। अब यहां से थोड़ा चेंज है, धा धा आ गया, अब आया तीन, तो तीन में हमें क्या करना है कि ये नहीं बजाना है, यहां पे सिर्फ अंदर तीन तीन एंड फिर बाहर आ जाइए ता ता, मतलब ता तीन और ना में बाया नहीं बजता है, तो ता, तो क्या था बोल, धा तीन तीन ता। अब उसके बाद लास्ट वाला चार मात्रा जो है ता धिन धिन एंड धा, यह है तीन ताल, ठीक है। बाया आपको पता ही है, बाया में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये बजाना है, लेकिन कहां पे बजाना है ये मैं बताता हूं, एक बार मैं पूरा तीन ताल बजा के दिखाता हूं आपको, जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा एंड धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये तो सिंपल तीन ताल हो जाए। अब जो मैंने पहले जो बात करी वेरिएशन वाली, तो कैसे होगा उसमें वेरिएशन में, देखिए धा धिन धिन धा धा तेटे, ठीक है, तेटे तेटे ते एंड ते, ठीक है। तबला और ढोलक में फर्क क्या होता है, अगर हमें धा बजाना हो तबला में तो हमें रिंग फिंगर को रखना पड़ता है ब्लैक के ऊपर, लेकिन ढोलक में ये क्वालिटी होती है कि हमें किसी पाबंदी की जरूरत नहीं, हम खुला, ठीक है, तब हमारा साउंड इसमें आता है। तो मैंने क्या बताया, धा धिन धिन धा धा ते ते, इस तरह से सब में करना है। कैसे करना है मैं बताता हूं, देखिए धा धिन धिन धा धा ते ते धा धिन धिन धा धा ते ते धा पिन पिन ता ता ते ते। अब यहां से तिहाई क्या आएगी, धा धा ते ते धा 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 ते ते धा 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 ते ते धा, आया समझ में, तिहाई चार बात रखी, धा धा ते ते धा 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 ते ते धा 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 ते ते धा। पता ही आपको धा धा और ते ते, धा धा ते ते धा 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 ते ते धा 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 ते ते धा, आया समझ में। अब इसी चीज को एक बार मैं लहरे के साथ आपको बजा के दिखाता हूं कैसे बजेगा, देखिए जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा सा इसमें लय फास्ट है तो हमें इसके साथ एडजस्टमेंट करना होगा। तो देखिए मैं एक बार मुंह से बोलता हूं, 13 14 15 16 धा धिन धिन धा धा ते ते धा धिन धिन
दादा तेटे धा तीन तीन दादा तेटे दादा तेटे धा दादा तेटे धा दादा तेटे धा आपके समझ में आ रहा होगा, मैं ढोलक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे लोगों ने एकदम फोक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है और उसको कहते हैं फोक इंस्ट्रूमेंट। है फोक इंस्ट्रूमेंट, 101% फोक इंस्ट्रूमेंट है, बट इसमें हम चाहें तो लहरे के साथ स्वतंत्र वादन भी कर सकते हैं, हम इसे सोलो भी बजा सकते हैं, स्वतंत्र वादन भी कर सकते हैं, लग्गिया बजा सकते हैं, रेला बजा सकते हैं, कुछ ठेके कि वेरिएशन को बजा सकते हैं, तीन ताल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी और इसका टाइटल होगा तीन ताल का विस्तार। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने, देखें, समझें और तब अभ्यास करें, गलत अभ्यास ना करें। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बार बार वीडियो को रिपीट देख लें, सुने मेरी बात को कि मैं कहां क्या बताना चाहता हूं, ठीक है। फिर एक नए ताल और नए एक्सरसाइज के साथ फिर मैं एक नए एपिसोड में मिलता हूँ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।